डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का कंप्यूटर बुक है, चैप्टर फोर, और इसमें क्या दिया हुआ है? स्लाइड प्रेजेंटेशन। आप किसी कंपनी के बारे में जब आप कोई डिटेल बतलाते हैं बहुत सारे लोगों को, और उसको पिक्चराइज करते हुए, मतलब पिक्चर दिखाते हुए आप उसको बतलाते हैं, एक एक चीज़ को समझाते हैं, उसी को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है, जब दुर्गा पूजा में मूर्ति वगैरह उठता है तो उसमें कई बार जो है स्वचालित मूर्तियां होती है, और उसमें कुछ फिगर्स दिखाया जाता है, और जो वहाँ पे डेमोन होता है, राक्षस जो होता है, उसको मारा भी जाता है, मूर्ति लोग मारते हैं, तो वो एक स्वचालित मशीन पे फिट रहता है, तो किस तरह से वर्क करता है, तो वहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन जो दिया जाता है, तो इसी तरह का प्रेजेंटेशन यहाँ पर आप किसी कंपनी का वन बाय वन करके आप देते हैं, और उसको देने के लिए आप या तो मोबाइल का, लैपटॉप का, या फिर इस तरह का जो होता है प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, और उससे आप प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये बेसिकली पावर पॉइंट में आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, एमएस पावर पॉइंट, यहाँ पे देख रहे हैं एमएस पावर पॉइंट, इसके द्वारा ये क्रिएट किया जाता है, और इसके अलावा और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसमें इसको क्रिएट किया जाता है, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर लोग एमएस पावर पॉइंट का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी गई है आपको। मैं बता दूं कि बेसिकली इसमें मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा, और चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा, पूरा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, लेकिन आप इसको आप यहाँ पर पढ़ के जितना समझेंगे उससे ज़्यादा आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे और उस पर काम करेंगे। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के बारे में बता रहा है, तो उसी कंपनी के द्वारा ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस इज ए फ्रीवेयर पैकेज, ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है फ्रीवेयर पैकेज विच कैन बी डाउनलोडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम www.openoffice.org। तो इस साइट पे अगर आप जाते हैं तो आपको ये जो है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ये सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, इससे प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। तो यहाँ पे फीचर इसके बारे में दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलता है तो पैकेज में, तो यहाँ कई सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लेंगे और बेसिकली बढ़िया अच्छा नॉलेज जो है आपको कहाँ मिलता है, कंप्यूटर पर बैठ के ही मिलता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब आप ओपन करते हैं तो उसमें टेक्स्ट आता है, ग्राफ्स आता है, और टेबल आप लगा सकते हैं, साउंड, उसमें म्यूजिक लगा सकते हैं, म्यूजिक यहाँ पे है, फोटोग्राफ्स है, सारे चीज़ों को लगा सकते हैं, और वन बाय वन करके वो चीज़ें या तो आप उस तरह से सेट करते हैं, जैसे कि एक टाइमिंग दे देते हैं, 5 सेकंड बाद एक पिक्चर आएगा, फिर दूसरा पिक्चर आएगा, फिर तीसरा पिक्चर आएगा, इस तरह से टाइम सेट कर सकते हैं, साउंड के साथ टाइम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं तो फिर आप जैसे जैसे बटन दबाएंगे, और या फिर कई बार लोग रिमोट कंट्रोल भी रखते हैं तो उसको जैसे जैसे दबाते जाएंगे आपका जो है स्लाइड चेंज होते जाएगा, इस तरह से भी रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइड्स, सबसे पहले जो है कई सारा स्लाइड्स जो है उसमें आपको जो सॉफ्टवेयर है उसमें ही आपको मिल जाएगा, कई सारा स्लाइड जो है, पिक्चर जो है, और आपको अपने हिसाब से जो लेना है तो फिर आप पिक्चर लीजिए और उसको उस पर सेट कीजिए स्लाइड शो, फिर आप जिस जो आप प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो फिर आपको जो है स्लाइड शो करके, मतलब उसको देखते हैं किस तरह से वो चल रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप लगाए हैं और किस किस तरह से वो आ रहा है। उसके बाद हैंड्स आउट, मतलब है कि आप जितने भी स्लाइड्स रिप्रेजेंटेशन को आप सेट किए हैं वहाँ पे, तो आप अगर चाहें तो उसको आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो उसको हैंड्स आउट बोला जाता है। ओपनिंग प्रेजेंटेशन पैकेज, तो किस तरह से आप ये ओपन करते हैं, तो फर्स्ट में बताया जाए टू क्रिएट प्रेजेंटेशन ए यूजर हैज़ टू मेक स्लाइड फॉर विच द यूजर कैन टेक हेल्प प्रेजेंटेशन पैकेज लाइक, आप इस तरह का पैकेज से इससे शुरू कर सकते हैं। ओपन ऑफिस इम्प्रेस एक सॉफ्टवेयर हो गया, और दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया माइक्रो पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ये दोनों ही चलता है, तो ज़्यादातर लोग इस पर, ये आसानी से मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का है तो आसानी से मिल जाता है, इसलिए लोग इस पर काम करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आइकॉन इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये 2010 का है, तभी वर्सन और न्यू वर्सन आ गया है, तो उस हिसाब से आप इसका आइकॉन जो है बदला हुआ भी देख सकते हैं। आप जब ओपन करते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देता है, क्लिक ऐड टू टाइटल, यहाँ पर जो आपको नाम रखना है उस तरह से रख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक टू ऐड सब्स टाइटल, यहाँ पर और कुछ उसके उसमें लिख सकते हैं, तो इस तरह से और कई सारा चीज़ जो है यहाँ पे लिखा जा सकता है। यहाँ पे इम्पटी प्रेजेंटेशन और फ्रॉम टेम्पलेट्स ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, इस तरह से आपको कई ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। इम्पटी में इस तरह से आपको खाली मिलेगा, इम्पटी खाली, और
इसको जो है फिर यहाँ पे आप जो मतलब इच्छा हो आप लगा सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू जो है आप प्रीव्यू चला के देख सकते हैं कि किस तरह से वो चलता है। यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह का सारा चीज़ वही रहता है। अब क्लिक ऑन क्रिएट बटन एज एन इम्पटी प्रेजेंटेशन, सबसे पहले आपको इम्पटी प्रेजेंटेशन में ही जाना पड़ता है और वहाँ पर जाके कई सारे चीज़ें अगल बगल में आपको ऑप्शन मिलेगा जिससे कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेकिंग स्लाइड, इस तरह से स्लाइड बनाया जाता है तो वन बाय वन करके इसमें डाला जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्लाइड एंड इंडिविजुअल पेज ऑफ डिस्प्ले इन ए प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन का जो आता है तो इंडिविजुअल स्लाइड एक एक करके मतलब वो अलग अलग करके रहता है फिर उसको एक साथ ऐड किया जाता है। तो उसमें कई सारी चीज़ें जो है आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि टाइटल, टेक्स्ट और फोटोग्राफ्स वगैरह, म्यूजिक, कई सारी चीज़ें हैं जो आप अपने सुविधा अनुसार उसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर लेआउट, लेआउट का मतलब होता है कि आप उसको देख सकते हैं कि जो हम बनाए हैं वो किस तरह से बनाए हैं। एक तरह से समझिए कि ये एक एडिटिंग है, जिसे हम लोग वीडियो एडिट करते हैं उसी तरह से इसको भी एडिट किया जाता है प्रेजेंटेशन को, और उसको एक सही तरीके से लगाकर क्रिएट किया जाता है, प्रीव्यू में देखा जाता है, उसी को बोलते हैं लेआउट, या फिर उसको फुल स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आप फिर होम टैब पर जाएंगे, फिर आप बैक हो जाएंगे, इस तरह से होता है। सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन डिजायर लेआउट, जिस तरह का आप लेआउट चाहते हैं, जिस तरह का आप डिस्प्ले चाहते हैं उस तरह से आपको दिखाई देगा वहाँ पे। उसके बाद कंटेंट्स स्लाइड्स, स्लाइड्स जो है आपको जितना प्रकार का स्लाइड आपको जैसा ज़रूरत है तो उस तरह का स्लाइड आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो फिर आपको क्या करना होगा कि उस तरह का पिक्चर जो है आप एकत्रित करके उसके बाद फिर उसको स्लाइड के रूप में आप यूज़ करेंगे और वो एक प्रेजेंटेशन मतलब आपकी इच्छा अनुसार का प्रेजेंटेशन बनेगा, अदरवाइज फिर सारा जो आप चाहेंगे वही चीज़ वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अपना जो है टाइटल लिखना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेस बनेगा, टाइटल बार लेना है जिससे कि आपको जगह मिलेगा, फिर आप वहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं या जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। एडिंग स्लाइड्स मतलब है कि आप जैसे कोई भी पेज बना लिए प्रेजेंटेशन के लिए, अब उसमें क्या है बीच में आपको कुछ डालना है तो फिर उसमें भी आप कर सकते हैं, आप बीच में कोई भी स्लाइड या कुछ भी जो टेक्स्ट है या पिक्चर है तो उसको आप बीच में इधर उधर मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। बनाने के दौरान क्या होता है कई चीज़ें जो है छूट भी जाती है, तो छूट जाती है तो उसको बीच में ऐड करने की आवश्यकता पड़ता है बाद में। तो यहाँ पे एडिंग टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मतलब है कि आप फिर से जो है किसी टेक्स्ट को आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बाय द वे कुछ मिसिंग हो गया, छूट गया इस तरह का, तो फिर से आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें दिया हुआ है, मतलब सारी सुविधाएं उसमें मौजूद रहता है कि आप कैसे उसको अपने इच्छा अनुसार ठीक से बना सकें। उसमें कई तरह का डिजाइन होता है कि मतलब जैसे कि वो प्रेजेंट करेगा तो कुछ अलग अलग स्टाइल से होता है, कोई घूम के आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई फैल के आएगा, कोई बॉक्स टाइप का, अलग अलग ऑप्शन उसमें होता है। तो इसमें मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है लेकिन सारा ऐसा ही होता है, कुछ कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, इस तरह का कई सारा डिज़ाइन जो है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो उसका एक मेनू होता है फॉर्मेट, यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मेट मेनू होता है और इससे कई सारा डिज़ाइन को चेंज किया जाता है। फॉर्मेट का मतलब ही होता है कि उसमें एडिटिंग करना। तो इस तरह से फाइनली जो है आपको एडिट करने के बाद ओके कर देना है और वो फिर बन जाएगा। तो ये जो है बैकग्राउंड चेंज करने के बारे में यहाँ बताया गया है, फिर उसको आपको सेव कर लेना है, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करते हैं फिर आपका बनाया हुआ पूरा मेहनत जो है बेकार चला जाएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करने के बारे में बताया है कि जैसा आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं पेज सेटअप, तो वैसा आप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं या उसके पीछे में कुछ पिक्चर लगा सकते हैं, कुछ पैटर्न चेंज कर सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और फाइनली जो है जब आप ओके कर देंगे तो फिर आपका बैकग्राउंड जो है उस कलर में आ जाएगा। तो ये बैकग्राउंड का चेंज करने का इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद एडिटिंग एंड फॉर मैटिंग टेक्स्ट, अब टेक्स्ट को जो है इधर उधर कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेल चेक, अगर उसमें स्पेलिंग वगैरह में गलत है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड में आप लोग जानते होंगे कि एमएस वर्ड जो होता है उसमें जब हम लिखते हैं और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उसमें रेड रेड आ जाता है, और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तो उसमें ग्रीन ग्रीन आ जाता है, तो पता चल जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं उसको राइट क्लिक करने के बाद जो है उसमें राइट क्लिक करने के बाद सुधारने का ऑप्शन देता है, वहाँ ऑप्शन आ जाता है और सही जो स्पेलिंग होता है उस पर क्लिक करते हैं और वो सही हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने के लिए आफ्टर क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन, बनाने के बाद प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद जो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट एक बटन दिया हुआ है F5, जब F5 को हम
दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो फिर हमारा जो स्लाइड जो बना हुआ है वो वन बाय वन करके, अगर टाइमिंग उसका सेट है तो वन बाय वन करके वो आने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे सेव करने के लिए दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एस, और सेव एस करने के लिए अगर पहले से जो बना हुआ है और उसमें आप कुछ एडिट करते हैं और किसी दूसरे नाम से आप सेव करना चाहते हैं तो सेव एस का आप यूज कर सकते हैं। सेव एस का मतलब होता है कि आप दूसरे नाम से यूज, मतलब दूसरे नाम से सेव करें। उसके बाद एग्जिट द प्रेजेंटेशन, फिर अंत में जो है आपको प्रेजेंटेशन जो आप देंगे उसको फिर बंद भी करना है, तो बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 दबाएंगे या फिर क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार। तो क्लोज बटन टाइटल बार में जो माउस से हम लोग करते हैं क्रॉस का चिन्ह रहता है तो उसमें जाके हम बंद कर सकते हैं, या फिर अगर कीबोर्ड से करते हैं तो अल्ट प्लस F4। ये सब शॉर्टकट की है, अल्ट प्लस F4, तो शॉर्टकट आप पढ़े होंगे, बेहतर आप जानते होंगे। यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया है और यहाँ पे आ गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरना होगा, फर्स्ट में दिया हुआ है स्लाइड, तो फर्स्ट में स्लाइड ही भराएगा। यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन दिए हुए हैं इसमें से कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स भी हैं, इसीलिए चलिए मैं आप लोगों को जो आंसर शीट है उसी में सारा आंसर एक ही बार कंप्लीट करवा देता हूँ। ये है चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्लाइड, स्लाइड्स, स्लाइड सॉर्टर, जो ब्लैक लेटर में आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स में भर जाएंगे, ये आंसर है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है सेंटेंस के लास्ट में, जैसे टी हो गया, एफ हो गया, टी एफ एफ, इस तरह से जो ब्लैक लेटर में दिया हुआ, ब्लैक कलर में दिया हुआ है वो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू फॉल्स का। और क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है व्हाट इज प्रेजेंटेशन पैकेज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेजेंटेशन पैकेज, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर का। प्रेजेंटेशन पैकेज इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड, सो बेसिक फीचर्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन पैकेज, क्रिएटिंग ऑफ स्लाइड, इंसर्टिंग ऑफ पिक्चर्स, इंसर्टिंग ऑफ वीडियोज एंड ऑडियो, एनिमेशन एंड स्लाइड शो, तो इस तरह की चीज़ें इसमें इंसर्ट किया जाता है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द डिफरेंट ऑप्शन ऑफ व्यूइंग ए स्लाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूइंग स्लाइड्स आर नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यूज डिस्प्ले ऑल द स्लाइड्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन इन अ स्मॉल साइज टूगेदर इन द सेम विंडो स्क्रीन। और यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट पॉइंट जो है स्लाइड शो व्यू, आफ्टर क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन इट कैन बी प्रॉपरली एंड सिक्वेंसली व्यूड विद द हेल्प ऑफ स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर टेम्पलेट्स, हाउ विल यू एड ए टेम्पलेट टू यू प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट्स आर प्रीडिफाइंड फॉर्मेट्स डिजाइंस दैट हैज रेडीमेड बैकग्राउंड कलर लेआउट etc. टू अप्लाई टेम्पलेट्स, स्टेप 1 क्लिक ऑन द फाइल, स्टेप 2 क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, स्टेप 3 क्लिक ऑन सैम्पल टेम्पलेट्स ऑप्शन, स्टेप 4 सेलेक्ट द डिजायर्ड टेम्पलेट्स एंड क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है राइट डाउन द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, यहाँ पे दिया हुआ है 3 स्टेप में इसको क्रिएट करना है, क्लिक ऑन फाइल मेनू, स्टेप 2 सेलेक्ट न्यू ऑप्शन, स्टेप 3 देन चूज ब्लैंक प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू ऐड ए न्यू टेक्स्ट बॉक्स इन ए स्लाइड, एक्सप्लेन ब्रीफली, शॉर्ट में यहाँ पे इसका आंसर बतलाने के लिए कह रहा है, तो आंसर भी ज़्यादा लंबा नहीं है। टू ऐड न्यू टेक्स्ट बॉक्स इन ए स्लाइड, स्टेप 1 सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, स्टेप 2 क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, द माउस पॉइंटर चेंज टू प्लस साइन, स्टेप 3 क्लिक एंड ड्रैग द माउस ऑन द स्लाइड टू ड्रॉ ए टेक्स्ट बॉक्स। 6 नंबर में दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स फॉर चेंजिंग द लेआउट ऑफ ए स्लाइड, स्टेप 1 में क्लिक ऑन द होम टैब, स्टेप 2 क्लिक ऑन द लेआउट ऑप्शन, स्टेप 3 सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन द डिजायर लेआउट। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल यू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, टू ऐड न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन स्टेप 1 गो टू होम टैब,
स्टेप टू क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, स्टेप थ्री सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन डिजायर स्लाइड। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे दिया हुआ इसका आंसर, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स टू इंसर्ट एडिशनल स्लाइड्स। आंसर है टू ऐड एडिशनल स्लाइड, स्टेप 1 गो टू इंसर्ट टैब, स्टेप 2 क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, स्टेप 3 चूज एडिशनल स्लाइड। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है चैप्टर 4। और इस तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे चैनल में तो उन लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।